एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 पार्ट 4। संघ यह मुख्यतः एक संगठन था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। विनयपीठ संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग रहने की व्यवस्था, सभी व्यक्ति का प्रवेश, बच्चों को माता पिता से, दासों को स्वामी से, कर्जदारों को देनदारों से, स्त्रियों को पति से तथा राज्य कर्मियों को राजा से अनुमति लेना आवश्यक है था। सदा जीवन अधिकांश समय ध्यान में शहरों या नगरों से भिक्षा तथा आम लोगों को शिक्षा देना संघ के लोगों का जीवन यापन का तरीका था। बिहार वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल प्राय लकड़ियों से या ईंटों से, कभी गुफाओं में पहाड़ियों को खोदकर ने घर बनाए गए। राजाओं द्वारा बिहारों के लिए भूमि दान, स्थानीय लोगों द्वारा मदद, आश्रम, यह जीवन का चरण है जिसे ब्राह्मणों ने विकसित किया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास चार आश्रम थे। ब्रह्मचर्य सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्वारा और गृहस्थ में विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में घर संभालना, वानप्रस्थ जंगल में रहकर साधना करना, सन्यासी बन जाना, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी तथा उन्हें अपनी पति द्वारा पालन किए जा रहे आश्रम का अनुसरण करना होता था। नोट: जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे जिनकी शिक्षाओं का संकलन जैनद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। भाषा और रीति रिवाजों का वेदों से मेल, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा सद्विचार, सद्वचन, सद्कार ईरान से बाहर भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में भी पारसियों के पूर्वज। मौर्य साम्राज्य और अशोक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कटली चाणक्य के सहयोग से 2300 साल पहले लगभग की थी। अर्थशास्त्र चाणक्य थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। प्रशासन पाटलिपुत्र तथा आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से नियंत्रण किया जाता था। प्राय राजकुमार या अन्य व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्रों पर राजा सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे तथा वहां से मिले संसाधनों को इकट्ठा किया जाता था। अर्थशास्त्र में
लिखा है उत्तर पश्चिम कंबल के लिए तथा दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। नजराना जहाँ कर नियमित रूप से लिए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किए जाते थे। जंगल वाले इलाके में लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। वे मोर पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम इत्यादि लाकर देते थे। अशोक अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। प्राकृत भाषा ब्रही लिपि, कलिंग, तखरती, ओठीसा का प्राचीन नाम, युद्ध के दौरान हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक को बीतरसा हुई और उसने युद्ध का त्याग किया। धम्म अशोक का धम्म सभी धर्मों का मिला जुला रूप था, जिसमें किसी देवता की पूजा, धार्मिक रीति रिवाज या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। यह वस्तुतः व्यवहारिक ज्ञान था जो थम महामात्र नामक अधिकारी द्वारा जनता तक पहुंचाया जाता था। धम्म प्रचार सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी, अन्य यंत्र चीन की दीवार लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने उत्तरी सीमा की पशु पालकों से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण शुरू करवाया, जो 2000 वर्षों तक चला। यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है, जो पत्थरों एवं ईंटों से बनी है तथा हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं। लोहे के औजार और खेती उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। जंगल साफ कराने की कुल्हाड़ियों तथा जुताई के लिए हल और फाल का प्रमाण 2500 वर्ष पहले मिला है। सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशयों का प्रयोग होता था। उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में तीन तरह के लोग, पहला वेल्लाल, दूसरा उंडवार, तीसरा कड़ी सियार और आदिमाई। पहला बेल्लाल तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी, उड़वाड़ साधारण हल वाले, कड़ई सियार और आदिमाई भूमिहीन मजदूर या दास। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान ग्राम भोजा कहलाता था। अनुवंशिक पद ग्राम भोजक प्राय बड़े भूस्वामी होते थे, जो कर वसूलने के साथ साथ प्राय न्यायाधीश या पुलिस का काम भी करते थे। स्वतंत्र छोटे कृषकों को गृहपति कहा जाता था। इसके अलावा दास और कर्मकार वर्ग था, जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी। तमिल रचनाएं तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। मदुरई के तमिल संगमों में इनका संकलन किया जाता था लगभग 2300 वर्ष पूर्व। बेरी गजा
यूनान का प्राचीन नाम। आयात शराब तामा टिन सीसा मूंग पुखराज कपड़े सोने और चांदी के सिक्के। निर्यात जड़ी बूटियां हाथी दांत गो मेद कर्नीलियम सूती कपड़ा रेशम तथा इत्र। मथुरा लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। यह बेहतरीन मूर्तियों बनती थी तथा यह धार्मिक केंद्र था। बौद्ध विहार एवं जैन मंदिर। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों का अनेक अभिलेख मिले हैं जो संक्षिप्त हैं तथा स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा मंडों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख है। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों लोहारों बुनकारों टोकरी बुनने वाले माला बनाने वाले तथा इत्र बनाने वाले का भी उल्लेख है। Thank you.